सर्विस सेंटर सिस्का का, श्री बाकी बिहारी जी इंटरप्राइजेस। तो मेरा काम नहीं हो पाया क्योंकि मैंने ऑपरेशन कर दिया था उसका। अगर ऑपरेशन ना किया होता पावर बैंक का तो कुछ चांस बन सकते थे रिटर्न एयर प्लेसमेंट के। चलो, आप लोगों को हेल्प मिली होगी पिछली वीडियो से। बाकी अभी चलते हैं और बजरिया देखते हैं। यहाँ पेठे का बहुत बड़ा मार्केट है, पेठा ही पेठा मिलता है, मतलब पेठा बनता भी है। तो शीशा डाउन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ है इसके अंदर, होटल मिल जाएंगे क्योंकि ये पुराने रेलवे स्टेशन यानी पुराने गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से लगा हुआ है इलाका। तो होटल भी काफ़ी हैं, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं आप। और पेठा भी ले सकते हैं। गुरुद्वारा वगैरह भी है। तो अभी निकलने का जो रूट बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको घंटा घर दिखाते चले कि क्या भीड़ भाड़ है, व्यवस्था कितना भीड़ भाड़ रहता है, और दिवाली की तैयारियों को लेकर क्या क्या किया गया है। मार्केट पूरी सजी होगी, दुकान लगी होगी। ओहो, ब्रेकर मेरी पाँ। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के लिए फेमस है खन्ना ब्रदर्स के नाम से। कोई भी सामान लेना हो, मैं एक बार गोप्रो के लिए माइक का जैक लेने आया था, मिल गया था मुझे कनेक्टर जो होता है ना, टी आर एस कनेक्टर जो TRRS को TRS में कन्वर्ट करता है माइक के लिए। तो अच्छा है, हिसाब किताब यहाँ अच्छी चीज़ मिल जाती है। मार्केट अच्छी खासी लगी हुई, बुक सेंटर भी हैं यहाँ पे कुछ अच्छे, जैसे कॉलेज बुक डिपो। वो जवाहर गेट देख रहे हैं घंटाघर में घुसने के लिए, लेकिन यहाँ से सीधे एंट्री नहीं है, मुझे आगे से घूम के आना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा। तो आपके लिए जाएंगे, आपको तो घुमाएंगे दिखाएंगे कि मार्केट कैसी यहाँ की। तो आने का अलग ब्लॉग था, जाने का अलग होगा। आई हाय, बच गए मैं तो। देखते हैं यहाँ से कट बना रखा नहीं बना रखा। पहले तो था, अब है कि नहीं है देखें, वरना आगे से घूम के आना पड़ेगा। है कट है। सॉरी, खांसी के लिए खेद है। वैसे अलाव तो नहीं लग रहा यहाँ पे, लेकिन लोग घूम रहे हैं। हम भी मुड़ लेते हैं यहीं से। तो चलो, तो अपना गाजियाबाद, हमारा गाजियाबाद, आपने घूमा कि नहीं घूमा देखते हैं। तो यहाँ की शान, ये प्रतिमा पीछे आपने देखी, अंकल जी बस, ये जवाहर गेट। तो मौज ही मौज है, देखो पूरा बाजार सज गया। कपड़े लेना हो, ठंड के कपड़े भी थोड़े थोड़े दिखने लगे, कोट वोट तो है ही फिलहाल, सही रेट में मिल जाता। साड़ी वाड़ी लेंगे जो तुम्हें लेना हो, आ जाओ, खर्चा करके ही जाना पड़ेगा क्योंकि गाजियाबाद का पानी मीठा, यहाँ की बोली भी थोड़ी सी मीठी तो है, दुकानदारों की तो है मीठी। ये जूस वाले भैया मेहनत करते हुए,
जाम ना मिलना चाहिए ज़्यादा। मेरा काम तो नहीं बना लेकिन आपका काम बन गया, आपको ब्लॉग मिल गए मार्केट घूमने का। देखो कैसे शोर शराबा आ रहा हूँ अंदर। चलो 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 चलो, तो हर तरह का सामान मिल जाए, सूट केस वगैरह आप देखते जाओ। गुड़ मंडी भी ही आसपास है, ड्राई फ्रूट भी मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट। ये रहो गुड़ी गुड़ है, शकरकंदी, सब खाओ, हर चीज़ मिलेगी तुम्हें यहाँ पे। खाली पेट आओगे भरे पेट जाओगे। चलो चलो चलो, अब हम आगे चलते हैं। पूड़ी वाला था क्या? सब सौदा है पर खाने पीने का मन तो कर रहा है, रोक के खाऊं, लेकिन मैं घर पे जा खाऊंगा, बाहर का थोड़ा सा भी कम अवॉइड, हल्का हल्का अवॉइड हो ही तो नहीं पाता। यहाँ पार्किंग थोड़ी मुश्किल है, जहाँ मिल जाए जगह वहाँ लगा देते हैं लोग, इसीलिए स्कूटी बाइक से आ जाओ लेकिन कार लेके मत आओ, तंग हो जाओगे। अब आ चुके हम थोड़ा सा आगे घंटाघर में, चावला मंदिर की तरफ। यहाँ पे एक मिठाई दुकान है फेमस है काफ़ी, लालमन नहीं, क्या नाम था, लोकनाथ, सॉरी गलत नाम ले लिया, लोकनाथ स्वीट्स। उसकी रसमलाई का जवाब नहीं भाई, खा के देखना कोई अगर खाया हुआ है। किसी दिन आएंगे स्वाद से भरपूर के लिए शूटिंग करने, तब खाएंगे। इसी गली में आसपास कहीं है, यहाँ पे कांजी के बड़े मिल जाएंगे सर, इस गली में ही लोकनाथ, यहीं आसपास गर्गा बुक सेंटर भी होगा जहाँ किताब आप ले सकते हैं, हाथरस चाट वाले, इनकी वीडियो भी आएगी जल्दी से, टिक्की वगैरह की। एक से किसी भी दुकान में खा लो, एक जैसा स्वाद मिलता है, जैसे एक ही परिवार के लोग हो सारे। तो बहुत ही बढ़िया मार्केट है ये खाने पीने के साथ से, बस स्वाद से भरपूर। जिसने भी नहीं किया सब्सक्राइब करना, स्वाद से भरपूर, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है उस पर। और थोड़ा सा और आगे आ गए, ये कपड़ा मार्केट में कन्वर्ट हो गई ये मार्केट। ओके, यहाँ फटे पुराने नोट बदले जाते हैं, तो बदल सकते हो आप भी, अगर फटे पुराने नोट हो, कट्टे फटे, थोड़े से कमीशन के ऊपर बदल जाएंगे, डिस्काउंट के मतलब। नोट अगर कटा भी है तो भी वैल्यूबल है, नोट अगर फटा भी है तो भी वैल्यूबल है। ठीक है, पहवा नाम अलग था। ट्रैफिक जाम बहुत है यहाँ पे, घड़ी घड़ी ट्रैफिक लगता है। चलो एक ही शॉट में बनाते हैं वीडियो को। मैं सोच रहा हूँ यहाँ भी लोगो लगवाऊँ स्कूटी पे, आगे घूमो दुनिया ब्लॉग, प्रमोशन होना चाहिए ना, इससे बढ़िया कोई प्रमोशन नहीं। घूमते रहो, प्रमोशन करते रहो, सब्सक्राइब करवाते रहो सबसे। सुजाता की मिक्सी, मन
तो कर रहा है मंडी में ले चलूँ। मंडी चलोगे मेरे संग? इतनी दूर आए कुछ लिया दिया नहीं, मैं सोच रहा हूँ मंडी चलूँ कुछ फल वल ले लेते हैं। चलो आए हैं तो उधर भी घूम लेते हैं, देखते हैं सेव क्या रेट चल रहे हैं। स्कूटी का यही तो है, कहीं से मोड़ लो कुछ भी कर लो जरा से रास्ते में से निकल जाती है, गाड़ी तो फंस जाएगी। अब देखते हैं यार क्या होता है, इस पावर बैंक को कौन सही करेगा। तो सब्जी मंडी पास में ही है, ये है आपकी कौन सी मार्केट, नवयुग मार्केट है, हाँ नवयुग मार्केट शायद उसी के एरिया में आएगी। इस भारतीय स्टेट बैंक पास में ही है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक का काफ़ी सामान मिल जाता है। उसको फ्रिज चाहिए, फ्रिज। ओ मेरी स्कॉर्पियो, मेरी नहीं है मतलब अच्छी गाड़ी, सबकी दुलारी। चलो चलते हैं आगे, क्यों बढ़ते हैं भाई। हमारे आसपास के एक ब्लॉगर हैं दिवेश, मिस्टर दिवेश। इधर से मुड़ेंगे हम, इधर से हमारे स्टिकर लगवाने, स्टिकर लगवाएंगे घूमो दुनिया ब्लॉग का, लगवा भी चुका हूँ एक बार कार पे। तो इधर चलेंगे हम, यहाँ दिखाएंगे आपको मंडी, सब्जी मंडी। जितने स्टार्टिंग में लोग हैं हर चीज़ महंगी मिलती है और पीछे आके वो सस्ती होने लगती है, क्योंकि पीछे तो कोई नहीं आता, ये अच्छे नहीं है। ओके क्या रेट दी भाई? 50। धड़ी वालों के लिए कुछ सस्ते हैं? धड़ी वाले जो धड़ी मिलेंगे, एक धड़ी लेंगे तो कुछ कम है क्या? बस है तो ठीक यार। तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे लेने के लिए। ये क्या रेट है? और ये भी 50-70। अच्छा तो व्यूवर बताओ सही लग रहे हैं आपको? अरे यार ये तो, ये कैसे दाग लग रहे हैं वाले? अरे यार इनमें छाटूं, छटेंगे भी ना। चलो मिलते हैं लेकर। वो यार ज़्यादा रेट है भैया, ये भी 60, ये 100। अच्छा ये तो दबे दबे हो रहे हैं। ये भी लगा लोगे इस रेट में? वो भी आपके ही है ना? तो इसे कौन बेचेगा? 60 से कम नहीं है। चलो इसे ही ले लेते हैं। ढूंढना पड़ेगा, 2 किलो 100 के लगेंगे नहीं लगेंगे? 2 किलो 100 के लगा लो भैया। अरे दोनों लेंगे। चलो तो देखते हैं छाट छूट के। बहुत मेहनत काम है छाटना। कौन सही दस पैसे हो रहे हैं? बहुत मीठा माल है, बहुत मीठा माल भरो, ये भरो 60 रुपये किलो, 100 रुपये किलो के करो। इधर से देखें, इन्होंने तो छाट लिए, इधर देखते हैं। मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। नहीं छट पाए उसे, उसे ही ले लेता हूँ मैं। रुको ये है ना, वो भी हमारे घर से बात जाएगा, घर से बात देखते नहीं है।
जूस नहीं, खसखस का चाहिए ना। ये है भाई, तो मास्क लगा रखा, क्या खाऊंगा इसमें। चलो अभी ₹100 अभी निकाल दिए मैंने। चलो मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ थोड़ा।